नगर निगम चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस भाजपा के बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। बुधवार को शिमला शहरी विधायक हरीश जनारथा लोअर बाजार वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार उमंग बंगा के समर्थन में प्रचार करने उतरे और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में चुनावी प्रचार किया। इस दौरान हरीश जनारथा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है और शिमला शहर में कांग्रेस के विधायक है और अब यदि कांग्रेस की नगर निगम बनती है शिमला शहर के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और शहर की जनता के साथ जो भी वादे घोषणा पत्र में किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। यहाँ पे सारे में जिस वार्ड में भी जा रहे हैं उसी तरीके से लोग बाहर आ रहे हैं और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी हमारे वर्कर्स का, जिस तरीके से वो उन्होंने उनमें जोश है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। आज मैं लोअर बाज़ार और राम बाज़ार का दोनों वार्ड इकट्ठे करके कर रहे हैं। दोनों हमारी छोटी बहनें वहाँ से उमंग शर्मा बांगा और सुषमा कुठियाला जी दोनों जुझारू कैंडिडेट्स हैं और दोनों पढ़े लिखे कैंडिडेट्स हैं और वो जानते हैं अपने वार्ड्स के बारे में। ये दोनों पॉलिटिकल फैमिली हैं, इनको आइडिया है एक एक वार्ड के बारे में और इन्होंने पहले भी इन वार्ड्स में सहायता की है और लोगों से इनका उठना बैठना मिलना जुलना अच्छा है, दुख सुख में खड़े रहने वालों में से है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं शिमला शहर की पब्लिक को कि आप कांग्रेस गवर्नमेंट आपकी बदौलत शहर में स्टेट में आई है और शिमला शहर में आपने मुझे चुन के भेजा है, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और साथ में अगर अब आपने मेरे हाथ मजबूत करने हैं तो मुझे हर सीट पे मतलब कांग्रेस को जिताना है और साथ साथ जो अभी हम इस वार्ड में आए हैं, जैसे आप आज यहाँ पे लोअर बाज़ार में हमारा इंटरव्यू ले रहा है, मैं दोनों कैंडिडेट्स के लिए श्रीमती उमंग शर्मा बांगा और श्रीमती सुषमा कुठियाला जी के लिए अपील करना चाहता हूँ कि इनको जिता के भेजे, आपके कोई कार्य नहीं रुकेंगे और हमारे पास कोई बहाना भी नहीं है किसी कार्य को रोकने का, क्योंकि जब काउंसलर आपका होगा, MLA आपका है और साथ साथ सरकार आपकी है तो हम मिलजुल के काम करेंगे और हमारा एक ही टारगेट है शिमला शहर को जो भी फैसिलिटीज़ से जिस पिछले 5-10 साल से वंचित है तो उन फैसिलिटीज़ को और उन जरूरत को हम शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। आपने हमारा मैनिफेस्टो तो पढ़ा ही होगा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे कल और आपने उसकी कंपैरिजन BJP के मैनिफेस्टो के साथ भी की है, तो जो हमने बात बोली है वो हमने जनरल डेवलपमेंट की बात बोली है और हर वर्क को उसमें टच किया है। अगर आप उस मैनिफेस्टो को देखेंगे जो कांग्रेस ने रिलीज़ किया है उसमें आपको दर्शाता है कि जो हम बात बोल रहे हैं वो एक जेन्युइन सी बात बोल रहे हैं और करने लायक बात बोल रहे हैं, जो हम कर सकते हैं हमने वही बात आगे पब्लिक के बीच में अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से रखी है। और जैसे कि आप कल आपने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना ही है कि हमने किस तरीके से उस इशू को उठाया है जो BJP ने एक इररेलेवेंट और एक इम्पॉसिबल इम्प्लीमेंट करने का मैनिफेस्टो दिया था, तो उसी तरीके से हमने एक साधारण सा मैनिफेस्टो दिया और जो यहाँ की शहर की मेजर प्रॉब्लम्स है और यूथ के लिए, महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, व्यापारियों के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए और खास करके शिमला के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमने मैनिफेस्टो दिया है, तो उसका कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो हम एक बड़े जेन्युइन से और सिंपल रास्ते पे चल रहे हैं और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हम अपने मैनिफेस्टो को शीघ्र से शीघ्र इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमारी बैठ जाती है। नहीं देखो, उनके पास अगर कुछ कहने को हो, BJP को अगर कुछ कहने को हो तो वो बात करें। ये इश्यूज़ वो विधानसभा में बिठा, उनको सैकड़ों बारी क्या मतलब हज़ारों बारी सरकार ने भी जवाब दे दिया है और जिसे कहते हैं कि हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने भी कई बार इसमें जवाब दे दिया है कि जो मैनिफेस्टो जो हमने गारंटीज़ दी है उन गारंटीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। OPS बोला था, हमने OPS इम्प्लीमेंट कर लिया, उसका रिजल्ट इमीडिएटली आने दिखने शुरू हो गया। 1500 रुपया महिलाओं के लिए बोला है, 1500 रुपया महिलाओं के एक जिसे कहते हैं अभी CM साहब लाहौल स्पीति गए थे उस एरिया से हमने उनको देना शुरू कर लिया है और जैसे जैसे भी अभी किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में भी तो टाइम लगता है, पॉलिसी बन रही है, सब कुछ हो रहा है और जो हमने बोला है हम उनको करके ही रखेंगे। और जहाँ तक कि अपोजिशन की बात है, अब उनके पास इस टाइम कोई बोलने की कोई चीज़ नहीं है, वो 10 गारंटी 10 गारंटी 10 गारंटी ही बोलते जा रहे हैं 3 महीने से, इसके अलावा उनके पास कोई और चीज़ बोलने की है नहीं।